हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी ब्रेड के पकौड़े। इतना टेस्टी कि आप एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते। तो हम पकौड़े बनाने के लिए ब्रेड ले लिए हैं, 7 ब्रेड लिए हैं। ये देखिए 20 रुपए वाला जो ब्रेड था, आप कोई सा भी ब्रेड ले सकते हैं। और बारीक कटा हुआ प्याज और लहसुन और मिर्ची हमने इसी में डालकर इसको चॉपर में काट लिया है। ये देखिए, तो पकौड़े हम तीखा ही बना रहे हैं क्योंकि ब्रेड मीठा होता है, तो मिर्ची का यूज हम ज़्यादा करेंगे। तो अजवाइन भी ले लिए हैं, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, और चटपटा बनाने के लिए हमने लिया है टोमेटो केचप। ये हमने लिया है मैदा 1 कटोरी, 1 कटोरी चावल का आटा ले लिए हैं, और ये मिक्स प्याज नहीं है, सादा प्याज इधर कट कर लिए हैं। अगर आपको ज़्यादा प्याज नहीं अच्छा लगता तो आप कम डाल सकते हैं। और मैश किए हुए आलू भी लिए हैं हम। ये देखिए प्याज, अगर ज़रूरत पड़ेगा तो हम प्याज डाल देंगे। तो बनाना शुरू करते हैं। हमने 1 थाली ले लिया है, उसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी। नॉर्मल पानी है। तो ब्रेड को हमें इसमें भिगोना है, ज़्यादा देर तक नहीं, थोड़ा सा ऐसे डिप करना है आपको, तुरंत उठा लेना है ताकि ब्रेड गीला नहीं होना चाहिए ज़्यादा। तो फिर ऐसे इसको निचोड़ लेंगे तो पानी जो ब्रेड में है वो निकल जाएगा। ये देखिए, जैसे हम कर रहे हैं वैसे भी हमें आपको करना है। तो उसको हमने एक बर्तन में रख लिया है, तो दूसरा भी हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, तुरंत डिप करना है आपको और इसमें से सारा पानी निकाल देना है। तो उसे भी हम एक बर्तन में रख देते हैं, तो आपको सभी ब्रेड को ऐसे ही डिप करके उसका पानी निकाल देंगे। तो ये देखिए, हमने इस ब्रेड में से सारा पानी निचोड़ कर इसको निकाल लिया है। तो हम आपको ये दिखा देते हैं। ये देखिए, गीला नहीं है, ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए, नहीं तो जब बैटर बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा गीला हो जाएगा तो पकौड़े अच्छे नहीं बनेंगे। तो ये देखिए कितना ड्राई है, थोड़ा सा पानी होगा तो चलेगा, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ऐसे ही आपको इसमें, अब इसमें हम डालेंगे मैश किया हुआ आलू। आलू इसमें हम थोड़ा सा ज़्यादा ही मिलाएंगे, आप चाहे तो आलू कम डाल सकते हैं। तो हम ये देखिए इतना आलू बचा लिए, अगर हमें आलू कम लगेगा तो हम आलू ज़्यादा डाल देंगे। अगर आपको कम डालना है ब्रेड के हिसाब से कम, तो आप कम भी डाल सकते हैं। तब इसमें जो मिर्ची प्याज लहसुन काट के रखे हैं, देख ही सकते हैं आप, हमने मिर्ची का यूज़ ज़्यादा किया है क्योंकि ब्रेड थोड़ा मीठा होता है, जब आप पकौड़े बनाएंगे तो मीठा लगने लगेगा, तो आप मिर्ची का यूज़ थोड़ा सा ज़्यादा करें। तो इसे हम सभी डाल दिए हैं प्याज। तो अब इसमें हम डाल देते हैं चावल का आटा। इससे चावल का आटा डालने से पकौड़े क्रिस्पी बनेंगे। तो जितना आप लिए होंगे उसके हिसाब से आपको चावल का आटा यूज करना है। तो 3 चम्मच डाल दिए हैं, और ये मैदा हमने एक छोटी कटोरी लिए थे उसे हम पूरा डाल देते हैं। तो अब इसमें हम डाल देते हैं 1/2 छोटी चम्मच से भी कम लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच से भी कम अजवाइन डालना है आपको। आप चाहे तो इसमें जीरा भी डाल सकते हैं। तो अब इसमें हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक डालना है, और इसे चटपटा बनाने के लिए हमें इसमें डालना है टोमेटो केचप। आपके पास जो सा भी टोमेटो सॉस हो, चिली सॉस है, तो आप वो भी ऐड करके डाल सकते हैं इसमें। तो 1 बड़ा चम्मच डाल देंगे।
तो ये जो हमने प्याज अलग से रखा है वो थोड़ा सा हम और ऐड कर रहे हैं। 2 चम्मच हमने डाल दिया है। अब इसे हम मिक्स करेंगे। आप इसको हाथ से ही मिक्स करें, अच्छे से मिक्स हो जाता है, चम्मच से नहीं करेंगे। और इसमें पानी का यूज बिल्कुल भी नहीं होगा। तो हम आपको दिखा देते हैं, ये देखिए पूरा अच्छे से मिक्स कर लेना है आपको। 1-2 मिनट लगता है मिक्स करने में। तो ये देखिए पूरा एकदम अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो इसमें हम ये जो बचा हुआ आलू है मैश किया हुआ, उसे भी हम डाल देते हैं। और इसमें जो चावल का आटा बचा हुआ है वो भी पूरा डाल देते हैं, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा आलू यूज किया है तो आपको चावल का आटा भी एक्स्ट्रा ही यूज करना है। आप अपने हिसाब से जितना लेंगे उतना डालेंगे। तो सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी पकोड़े बनते हैं इसके। तो इसमें हम आमचूर पाउडर 1/2 छोटा चम्मच डाल देंगे। आप चाहे तो नींबू का रस भी डाल सकते हैं। तो इसे हम बाद में ऐड कर रहे हैं, आप चाहे तो पहले भी ऐड कर सकते हैं आमचूर पाउडर। अब सभी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए डो एकदम अच्छे से रेडी हो चुका है, ना ज़्यादा गीला ना ज़्यादा सूखा, ये देख सकते हैं हम। इतना ही सूखा होना चाहिए जब भी आप पकौड़े बनाएं। और इसे ढकना बिल्कुल भी नहीं है आपको, तुरंत रेडी करें और तुरंत इसे फ्राई करना है आपको। इधर गैस पर हमने कढ़ाई रख दिए हैं, तो उसमें हम डाल देते हैं रिफाइंड ऑयल। तेल को गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो चुका है तो तेल को हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमने थोड़ा सा डाल दिया है, तो उतना भी ज़्यादा गर्म ना हो, क्योंकि ब्रेड के पकौड़े हैं, ज़्यादा गर्म होगा तो वो जल जाएंगे जल्दी से। तो थोड़ा मीडियम पर होना चाहिए। तो इधर हम इसके छोटे छोटे बॉल्स के शेप में बनाएंगे। आपको जिस भी शेप का बनाना, टिक्की के शेप का बनाना चाहते हैं या जैसे प्याज के पकौड़े बनते हैं उस शेप में अगर आप डालना चाहते तो है। अगर वैसे आपको बनाना है तो थोड़ा सा आपको बैटर गीला चाहिए। तो इसे हम बॉल का शेप बना रहे हैं, ये देखिए छोटे छोटे आकार का बनाएंगे। बैटर सूखा है तो आपको ऐसे ही पकौड़े बनाने हैं। तो ये देख सकते हैं आप छोटा छोटा बनाएंगे। तो सभी बॉल्स बनाकर आपको, और वो भी आपको हाथ में अगर आप चाहें तो थोड़ा सा तेल लगाकर आप इसका बॉल बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो हम रिफाइंड ऑयल लगा रहे हैं थोड़ा थोड़ा, तो सभी बॉल बना लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों हमने इतने सारे बॉल्स बनाकर रेडी कर लिए हैं, ये देख सकते हैं आप। तो अब इसे हम तेल में डालते हैं। तो ये देखिए सभी बॉल्स हम डाल देते हैं ऑयल में। जितना आए कढ़ाई में आप उतना डाल सकते हैं। तो सभी हम डाल देते हैं। दोस्तों ये देखिए सभी बॉल्स हमने कढ़ाई में डाल दिए हैं, जितना आया है उतना डाल दिए हैं। तो इसे हमें एक और हमने डाल दिया, तो इसे थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने पर पक जाएगा तभी हम इसे पलटेंगे। तुरंत इसको नहीं पलटना है, नहीं तो ये टूटने लगेंगे। तो ये देखिए 3-4 मिनट बाद ही हम इसको पलट रहे हैं। तो इसको किनारे से हल्का हल्का ऐसे आपको थोड़ा हिला देना है,
जब तक वो हमारे गोल्डन ब्राउन होंगे तो जो बाकी बटर है उसे भी हम बॉल्स बनाकर रेडी कर लेते हैं। तो ऐसे ही छोटा छोटा बॉल्स आपको बना लेना है। आप चाहे तो इसको पैन पर भी कम ऑयल में फ्राई कर सकते हैं, टिक्की भी बनाकर खा सकते हैं। तो ऐसे हमें सारे बॉल्स बना लेना है। छोटा छोटा ही बनाएंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं। तो सभी बॉल्स को रेडी कर लेते हैं। जो बचे थे ये देखिए, हमने एक थाली भरकर बना लिया है और इतना सब बच गया है। तो अब चेक कर लेते हैं हम, देखिए चेक कर रहे हैं। तो ये देखिए हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन हो चुका है। को अच्छे से पलट लेना है आपको। ये देखिए कितने देखने में अच्छे लग रहे हैं ये। तो जब गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तब इसे हम निकालेंगे। हल्का गोल्डन ब्राउन हो चुका है तो हम इसे चला देते हैं। आप चाहे तो हल्का इतने पर भी आप इसको निकाल सकते हैं, पर हम थोड़ा सा डार्क ब्राउन और करेंगे। तो इसे हम एक दो मिनट तक और ऐसे फ्राई होने देते हैं। तो दो तीन मिनट बाद हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए चला देते हैं हम इसको और ये डार्क ब्राउन हो चुका है। तो आप चाहे तो इतना डार्क ब्राउन भी निकाल सकते हैं। तो इसे अब हम एक प्लेट में निकाल देते हैं। देखने में कितना अच्छा लग रहा है, देख सकते हैं, जैसे गुलाब जामुन लग रहा है ये बिल्कुल। बहुत ही टेस्टी बना है ये। तो सभी को हम प्लेट में निकाल लेते हैं और हम आपको पास से दिखा देते हैं। ये देखिए कितना टेस्टी बना है। तो सभी पकौड़ों को हमने एक प्लेट में निकाल लिया है। ये देखिए टेस्टी टेस्टी पकौड़े। जो बाकी बचे हुए हैं उन्हें भी हम डाल देते हैं। तो सभी को हम डाल देंगे। सभी हमने डाल दिए हैं। ये हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए कितने टेस्टी बने हैं ब्रेड के पकौड़े, ये देख सकते हैं। हमें उठाकर भी आपको दिखा देते हैं। ये देखिए इतना बचा हुआ है, हम इसका भी सारे बॉल्स बनाकर तैयार कर लेते हैं। इधर हम चेक कर लेते हैं कि ये पक चुका है कि नहीं। इसको ऐसे हल्का हल्का आपको हिला देना है, तुरंत इसको नहीं पलटना है। ऐसे हल्का हल्का धीरे से आपको करना है ताकि ये अच्छे से पक जाए। इसको और ऐसे ही फ्राई होने देते हैं। तो ये देखिए सभी बॉल्स हमने बनाकर तैयार कर लिए हैं। ये लास्ट आखिरी बचा है तो ये भी हमने बना लिया है। ये देख सकते हैं आप, हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए ये पकौड़े भी डार्क ब्राउन हो चुका है। तो इन्हें भी हम उसी प्लेट में निकाल लेते हैं। तो उसी प्लेट में हम निकाल रहे हैं। तो सभी पकौड़ों को हम निकाल लेते हैं। जो बाकी बचे हैं उन्हें हम डाल देते हैं। तो ये देखिए सभी पकौड़े हमने डाल दिया है, इसे भी पकने देते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये पकौड़े भी डार्क ब्राउन हो चुका है। तो इन्हें भी हम उसी प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये देखिए सभी पकौड़े हमने निकाल लिया है। गर्मा गर्म
टेस्टी टेस्टी ब्रेड के पकोड़े तो हम आपको दिखा देते हैं, ये देख सकते हैं आप। तो इसे अब हम इसमें रख देते हैं ताकि जो एक्स्ट्रा तेल हो वो निकल जाए। और सच में बहुत ही टेस्टी बना है ये, तो इसे हम इसमें डाल देते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, हम आपको पास से दिखा देते हैं ब्रेड के क्रिस्पी टेस्टी टेस्टी पकोड़े। और हमने ले लिया है टोमेटो सॉस क्योंकि पकोड़े तीखे बने हैं। तो आप देख सकते हैं कितने टेस्टी बने हैं। अगर आपको यह रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप चाहें तो इसको इमली की चटनी के साथ अगर आप खाएंगे तो टेस्ट कर और भी अच्छा लगता है खाने में। तो हम टोमेटो सॉस लिए हैं, तो आप भी ज़रूर बनाएं ब्रेड के टेस्टी टेस्टी पकौड़े और खाइए गर्मा गर्म टोमेटो सॉस के साथ।